ओके अब देखो यार, अभी ना मैं अपने जस्ट मार्केट में गया था और ये फोन अभी मैं बाय कर गया हूँ, तो अभी तो इसकी एक प्रॉपर वीडियो नहीं आएगी, लेकिन मैं इसको सोच रहा हूँ यार अच्छे से इसको यूज करूंगा, फिर मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सब कुछ बात करेंगे यार इसकी कितना प्राइस पड़ी है और 15 दिन यूज करने के बाद। तो आज मैं वीडियो जस्ट शूट कर रहा हूँ आज, बिकॉज आज मैं लाया तो सोचा आज ये वीडियो शूट कर लेते हैं, बाद में ना हम इसमें अच्छे से इसको यूज करेंगे फोन का, फिर आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला। देखो यार अभी ना मैं मतलब देखो अभी ना इस फोन को यूज करके जस्ट जैसे था वैसे पैक करके यहाँ पे फिर से आ चुका हूँ, क्योंकि हम सोचे यार वीडियो यहाँ से शुरू किए थे तो यहीं से फिर से वीडियो शुरू की जाए। तो फाइनली 15 दिन बाद आज मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। ये इलाहाबाद है, जिन लोगों को नहीं पता मैं इलाहाबाद शिफ्ट हो गया, तो इलाहाबाद से आपको ये वीडियो सीधा मिल रही है। तो अभी मैं जस्ट इसको ना ओपन कर ही चुका हूँ सब कुछ भाई, तो वैसे कुछ ट्रांसपेरेंसी है नहीं, बस हम प्रोफेशनल नहीं यहाँ पे इसको अनबॉक्स कर सकते, तो जस्ट हम ऐसे ही कर लेते हैं। आपको ये यहाँ पे फ़ोन मिल जाता है, उसके साथ मैं आपको बता दूँ भाई कुछ चीज़ें और इस बॉक्स में आपको देखने को मिलती है, जैसे में प्रेम पत्र मिल जाते हैं जो कि कोई पढ़ता नहीं, उसके बाद एक चार्जर मिल जाता है आपको, ये आपको एक छोटा सा चार्जर मिल जाता है, ये काफ़ी सही है, उसके साथ में एक USB केबल मिल जाती है। अभी आप लोग देखो भाई मुझे तो ये कलर में मिले भाई, काफ़ी सही फ़ोन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे बैक साइड आपको टेक्सचर देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ सुनाई दे रहा होगा, उसके बाद आपको एक फिंगर प्रिंट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे डुअल कैमरा आपको बैक साइड मिल जाता है और एक सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी ये फ़ोन में आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन मिल जाती है, उसके बाद एक लॉक बोलना मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे सिंगल आपको एक स्पीकर मिलेगा, जो कि एक सिंगल स्पीकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और सही बात इसमें आपको 3.5mm जैक भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पे नॉर्मली फ़ोन में नहीं मिलते हैं, तो इसमें 3.5mm जैक भी आपको देखने को मिलता है। तो अब बारी आती है इसके यार रिवील करने का भाई, इसका नाम क्या है। अब देखो यार ये फ़ोन है भाई टेक्नो का स्पार्क गो 2022। अब देखो यार इसको लेने का सिर्फ एक ही फायदा था भाई, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये फ़ोन लिया हुआ था, तो मैं सोचा पहले तो मैं यूज़ कर लूँ 15 दिन बाद, उसके बाद अपने पेरेंट्स को देते हैं, जब तक भाई वही कीपैड चला रहे थे मेरे पेरेंट्स, तो अभी उनको फाइनली भाई देंगे जाके घर पे। लेकिन यार 15 दिन यूज़ करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार आपके भी पेरेंट्स होंगे या फिर आप लोग भाई फ़ोन वगैरह लेना चाहते होंगे, तो अगर आपका बजट 6,000, 6,500 तक है तो डेफिनेटली आप ऐसे फ़ोन वगैरह ज़रूर देखते होंगे। यार इसकी जो प्राइस है ना वो भी ऐसे 6-7 के अराउंड ही है, तो बस यार ध्यान से देखना इस वीडियो के लिए, इतना ओवरव्यू काफ़ी हो गया, काफ़ी बड़ा ओवरव्यू रहा इस वीडियो का। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट की। अब देखो यार अगर बात करें ना भाई यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट की, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिलता है बैक साइड में, और भाई ये ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसके साथ में यहाँ पे फेस भी काफ़ी मतलब इंस्टेंट भाई ले लेता है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा भाई इसकी। आप लोग देखो काफ़ी मतलब कुछ पलों में भाई ये काफ़ी अच्छा भाई मतलब प्राइस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट भी काम कर रहा है और फेस अनलॉक भी काफ़ी मस्त कर रहा है, तो ये चीज़ इस फ़ोन में मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी अगर फ़ोटोज़ की बात करें ना इस फ़ोन में, तो आप लोग देखो अभी ये फ़ोटोज़ जो आप सब देख पा रहे हो ये मैं बैक साइड नॉर्मल मोड से लिया हूँ, तो आप लोग देखो ये सारी फ़ोटोज़ हैं और कुछ मतलब ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आई हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ना नॉर्मल मोड से। लेकिन अभी आप लोग ये वाली फ़ोटो देखो, ये मैं पोर्ट्रेट मोड से लिया हूँ, तो ये भी थोड़ा मतलब सही फ़ोटोज़ आई है, तो बैक साइड से कुछ आपको इस प्रकार की फ़ोटोज़ मिलेंगी। और अगर बात करें इसमें अगर बैक साइड से वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप लोग देखो कुछ आप ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बैक साइड से। तो अभी अगर ये वीडियो की बात करें, तो अभी ये वीडियो आप देखो भाई कहीं कहीं इसमें एक चीज़ वीडियो है, कभी कहीं ये ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है, और ये वीडियो इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं ना यहाँ पे चल भी रहा हूँ, और जो मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हो इसी फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ पे मैं बोलूँगा भाई काफ़ी डिसेंट सा यहाँ पे आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, नॉर्मल एक आप लोग बोल सकते हो नॉर्मल, अगर आप लोग कभी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना हुआ तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन वैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो लोग यार वीडियो वगैरह काम रहता है उनके लिए बिल्कुल भी ये फ़ोन नहीं। आप लोग देख सकते हो भाई वीडियो आपके सामने यहाँ पे लाइव आपको दिख रही है और आवाज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये फोन मुझे वीडियो में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। देखो यार आप लोग देख लियो भाई इसमें बैक साइड से, लेकिन यार ट्विस्ट पता कहाँ है, यहाँ पे अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरा की ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। अगर बात करें कुछ फ़ोटोज़ की, तो आप लोग ये फ़ोटो देखो भाई, नॉर्मल मैं सेल्फी क्लिक किया हूँ, आप लोगों को काफ़ी मस्त यहाँ पे सेल्फी भी आई है, शाम के टाइम की ये सेल्फी है, सारी काफ़ी मस्त आई है, और भाई यहाँ पे ना सेल्फी वगैरह काफ़ी मस्त है। लेकिन अगर आप लोग भाई यहाँ पे फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर दो, भाई वीडियो भी काफ़ी मस्त आती है। आप लोग देखो पहले वीडियो देखो फ्रंट साइड से जो मैं रिकॉर्ड किया हूँ। देखो अभी जो आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो ये मैं सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये रही कुछ क्वालिटी भाई, यहाँ पे ना आवाज़ भी इसी मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट सड़क के बगल यहाँ पे गाड़ी वगैरह आ जा रही है, यहाँ पर जस्ट मैं आवाज़ भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोग देख पा रहे हो सुन पा रहे हो, मैं तो सुन नहीं रहा हूँ कि आवाज़ इसकी कैसी है, लेकिन यहाँ पे वीडियो क्वालिटी यहाँ पे मतलब प्राइस अकॉर्डिंग भाई काफ़ी सही है। अगर आप लोग फ्रंट कैमरा देखो तो वीडियो वगैरह काफ़ी मस्त यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है ये भाई, ये देखो
काफी मस्त। अगर मैं इस पोजीशन दिखाऊं भाई, देखो ये सन के साइड है तब भी काफी अच्छा भाई मैनेज कर रहा है लाइट वगैरह। बाकी इस साइड थोड़ा एक नेचुरल कलर आ रहा है, काफी सही सा लग रहा है मुझे ये वाला। अब देखो यार, वैसे ना टेक्नो के फोन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, लेकिन यार अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए फोन वगैरह देख रहे हो तो भाई ये फोन उनके लिए सही हो सकता है, क्योंकि आपको ये 6-7 हज़ार के प्राइस में ऑफलाइन मिलेगा। लेकिन अभी ऑनलाइन मैं इसकी प्राइस चेक कर रहा था, ये आपको 7.5 के राउंड दिखा रहा था, लेकिन आपको जैसे सेल वगैरह आती है या फिर कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो भाई आपको और ज़्यादा सस्ते में पड़ जाएगा। तो अगर आप लोग भाई 6 हज़ार तक फ़ोन देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को देख सकते हो। मुझे मतलब 6 हज़ार के प्राइस में सही लगा भाई, इसकी सेल्फी कैमरा ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप लोग कैमरा वगैरह ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हो तो ये सही है नॉर्मल यूज़ के लिए, लेकिन अगर आप लोग वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर दो शायद आपके लिए ना हो। लेकिन आपके अगर पेरेंट्स के लिए फ़ोन वगैरह देख रहे हो तो फ़ोन सही है वैसे भाई, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर इसकी भाई यहाँ पे एनिमेशन की, तो भाई एनिमेशन भी मतलब कह सकते हैं भाई यहाँ पे एवरेज है, ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, यहाँ पे एवरेज आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। बाकी की ज़्यादा चीज़ें ना यार इसके बारे में, मैं 15 दिन से लगातार यूज़ किया। बाकी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी भाई इसमें, लगता है कि जो यार इसमें ना थोड़ा टेक्नो वाला का और ज़्यादा यहाँ पे यार थोड़ा चेंज वगैरह करना चाहिए, क्योंकि यार इसका जो बैक साइड कैमरा ना वो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं भाई प्राइस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका सेल्फी कैमरा मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन भाई बैक साइड कैमरा उतनी अच्छी ना तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना तो उतना अच्छा भाई रिजल्ट ला रहा है भाई फोटोज वगैरह में, तो वो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई फाइनली फिर भी हम इसको भाई 80 नंबर दे सकते हैं, ये बात अगर 100 में से नंबर देना हुआ, क्योंकि भाई प्राइस भी तो 6 हज़ार लग रहा है ना, 6.5 हज़ार, तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही। आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा और डिसेंट सा एक कैमरा मिल जाएगा, बाकी एक अंडररेटेड सा फ़ोन भी मिल जाएगा, बाकी ये एवरेज सा फ़ोन भी आपको मिल जाएगा 6 हज़ार में, और डिब्बा वगैरह आपको मिल जाएगा। तो बाकी ये कुछ रहा फ़ोन, जिन लोगों को अभी तक अगर नाम नहीं पता तो मैं नाम बता दूँ, इसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 2022। तो ये नया फ़ोन है वैसे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग ये फ़ोन लेना चाहते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो खरीद सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी तो। बाकी हम मिलते हैं आपको फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।